हेलो दोस्तों, सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। अभी हम जाने वाले हैं बस से, तो ये लगी हुई है हमारी बस और हम इससे जाएंगे अभी गया के लिए, क्योंकि ट्रेन में बहुत काफ़ी भीड़ है, इसलिए हम जा रहे हैं बस के थ्रू ही। तो यहाँ से बस हमारी 10 बजे चलेगी। तो ये देखिए बस की अंदर से व्यू है और अभी नाइट है बिल्कुल, मतलब 11 बज रहे हैं और अभी हम यात्रा कर रहे हैं नेशनल हाईवे 19 से जो कोलकाता को जाती है। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं रात के 12 और यहाँ पे हमारी देखिए बस लगी हुई है रेस्टोरेंट पे एक नाश्ता वगैरह करने के लिए। तो हम यहाँ पे रुके हुए हैं अभी और अभी ये हमारी गाड़ी रांची हो जाने वाली है, तो हम जाएंगे यहाँ से गया, फिर अभी तक वेट करते हैं। जंगले हवा सब कुदरी। तो यहाँ पे देखिए ये हो रहा है पिंडदान गया में। तो गया में श्राद्ध कार्य के लिए आया था जो गया बांस होता है उसके लिए। तो यहाँ पे देखिए ये है बाबा जी पंडित जी और ये हो रहा है श्राद्ध का कार्य। उसके बाद ये भैया जी हैं इधर। नदी में बहुत ज़्यादा काफ़ी पानी है और यहाँ पे आगे बांस का बैरियर भी लगाया गया है ताकि आगे मतलब ज़्यादा पानी है डूबने की संभावना है। और उधर स्टीमर जिला प्रशासन आपका स्वागत और अभिनंदन करता है। तो फ्रेंड्स, अभी फिर आ गए हैं हम गया जस्ट ही दो कुछ दिनों के बाद आए हैं और यहाँ पे आज फिर भी बारिश हो रही है। और ये है फल्गु नदी यहाँ पे, जो कि पिछले बार हम दिखाए थे आपको। और यहाँ पे पिंडदान के लिए अभी कुछ लोगों के साथ में आए हुए हैं हम और जस्ट ही ये देखिए सारे लोग यहाँ पे पिंडदान कराने के लिए आए हैं। और ये रहा फल्गु नदी जहाँ पे देखिए बैरियर भी लगा दिया गया है। उधर वो डैम दिख रहा है जो गया जी डैम है। और ये देखिए यहाँ पे पूरा नदी में बहुत ही भारी पानी है अभी भी। कंट्रोल रूम में कर रहे हैं, कृपया आप आके इनसे मिलिए। तो गया में पटना नगर निगम की कुछ बसें ला दी गई है, सीएनजी वाली जो ग्रीन बस होती है उसकी सुविधा के लिए। तो उसी से हम आ गए हैं यहाँ पे अभी बोध गया और बोध गया में पूरा घूमेंगे अभी। तो चलिए उसी बस से आए हुए हैं और ये देखिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बढ़ने के बाद हम लोग जाएंगे महाबोधि मंदिर। हम लोगों को घूमना है, ज़्यादा नहीं घूमना है क्योंकि जस्ट ही हम अभी 4 दिन पहले घूम के यहाँ से गए थे और फिर यहाँ आने का मौका मिल गया। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते ही हैं। ये रहा महाबोधि मंदिर का आगे प्रवेश द्वार जहाँ से कि आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, तो यहीं पे रख देते हैं और चलते हैं हम लोग सारे लोग घूमने। तो अब यहाँ पे हम लोग महाबोधि मंदिर से घूम के जा रहे हैं और यहाँ पे देख लीजिए पीछे सारे लोग आ रहे हैं। और चलते हैं अब हम लोग स्टेशन की ओर या बस स्टैंड, बस से ही जाना है हमें एक्चुअल में। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या। यहाँ पे आपको दिखेगा एका गाड़ी, एका वहाँ भी आपको मिल जाएगा गया में देखने के लिए, इसका भी सफ़र। अरे नहीं, तो ये देखिए यहाँ की कुछ बाजारें और यहाँ पे ये है तिब्बतियन बौद्ध मंदिर। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ये देखिए कुछ भारी जो है जो कि ढोल बजाते हैं, ये चलती है। अब हम यहाँ से चल दिए हैं, यानी कि बस स्टैंड जाना है हमें। तो देखते हैं कि बस स्टैंड का प्लान हो पाता है या नहीं। बोध गया से गया जाने के बीच में ये 10 किलोमीटर का दूरी है यहाँ पे, और 10 किलोमीटर के बीच में पूरा गांव का एरिया पड़ता है, विलेज एरिया। तो ये देख सकते हैं किस तरह से पूरा विलेज एरिया है। इसमें आपको ग्रीन पूरा मिलेगा और साइड में एक और उधर में मिलेगी आपको पुनपुन नदी जो कि गया। तो फाइनली हम आ गए हैं स्टेशन और यहाँ पे हो रही है काफ़ी बारिश। बस स्टैंड बस वाला प्लान मेरा कैंसिल हो गया। तो ये देखिए रहा स्टेशन पे प्लेटफार्म और अभी बज रहे हैं 9:30 और जस्ट हमारी ट्रेन आने वाली है। उधर खड़ी है वंदे भारत एक्सप्रेस, तो चलिए उसको गुजरने के बाद हमारी एक्सप्रेस है। तो चलिए उसी से चलते हैं और मिलते हैं एक अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।